हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो लेक्चर और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स के बारे में कौन कौन से डिफरेंट टाइप के बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स आज यूज होते हैं और बॉटेनिकल पेस्टिसाइड्स के केमिकल पेस्टिसाइड्स के कंपेरिजन में क्या क्या एडवांटेजेस है और बॉटेनिकल पेस्टिसाइड्स की कौन कौन से शॉर्टकमिंग्स हैं अगर हम हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव की बात करें तो बॉटेनिकल पेस्टिसाइड्स को बहुत पुराने टाइम से यूज किया जाता है और आज से आज से करीब 2000 साल पहले शियन एम्पायर के टाइम पे भी बॉटेनिकल पेस्टिसाइड्स के यूज इंसेक्ट कंट्रोल के लिए किया जाता था तो लेकिन पिछले सेंचुरी में पिछले एक सेंचुरी में जो बॉट केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनके यूज बहुत ज्यादा बढ़ा है और मेनली अगर हम बात करें तो ग्रीन रिवोल्यूशन के एरा के बाद से केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ और आज फार्मर केमिकल पेस्टिसाइड को बहुत ज्यादा यूज करता है क्योंकि वो बहुत इजीली इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन प्रेजेंट में जब हम एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम की बात करते हैं तो हमें बोटेनिकल पेस्टिसाइड को भी आईपीएम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मान के चलते हैं और बोटेल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए क्योंकि एक एग्रीकल्चर तभी सस्टेनेबल रह सकता है जब हम उसमें सस्टेनेबल प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट करें और बॉटेनिकल ऐसे ही सस्टेनेबल प्रैक्टिस है जो आईपीएम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में और बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स के बारे में तो सबसे पहले बॉटनिकल की डेफिनेशन सो बॉटनिकल्स आर केमिकल्स डिराइव फ्रॉम प्लांट पार्ट्स प्लांट पार्ट्स से डिराइव हुए कोई भी ऐसे केमिकल्स या टॉक्सिकेंट जो इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज कंट्रोल में यूज आए जैसे नीम प्रोडक्ट्स निकोटीन रायनया रूटिनोन पाइरेथ्रम ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अगर हम किसी भी प्लांट से और उसके किसी भी पार्ट से लाइक लीव स्टेम्स या रूट सीड्स और एनी ऑफ द प्लांट पार्ट से हम कोई भी केमिकल को एक्सट्रैक्ट करें जो किसी भी हद तक किसी भी लेवल तक छोटे लेवल तक केमिकल इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल में हेल्पफुल हो तो उसे हम बोटेनिकल कहेंगे सो अ बोटेनिकल पेस्टिसाइड इज अ टाइप ऑफ बायो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन मेड अप ऑफ क्रूड प्लांट एक्सट्रैक्ट और प्योरिफाइड कंपाउंड ऑफ प्लांट स्पीसीज फॉर मैनेजिंग पेस्ट एंड डिजीजेस So, uh, इसके जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होंगे दूसरा ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड्स होते हैं तीसरा इनकी परसिस्टेंस एनवायरमेंटल परसिस्टेंस लो होती है और इनकी रेजिडुअल वैल्यू लो होती है रेजिडुअल मीन कितने दिन तक उनका इफेक्ट रहता है सो बॉटेनिकल पेस्टिसाइड का ज्यादातर एक हफ्ते दो हफ्ते इससे एक वीक से दो वीक इससे ज्यादा इनका इंपैक्ट नहीं रहता है और दे आर एबल टू डिग्रेड वेरी फास्ट इन सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये बहुत जल्दी डिग्रेड करते हैं तो ये थे बोटेनिकल्स सो so, बोटेनिकल्स के अगर हम एडवांटेज देखें तो इनमें कोई हार्मफुल रेजिड्यू नहीं रहता है जैसे केमिकल पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड केस में अगर हम देखें तो उनमें बहुत ज्यादा हार्मफुल रेजिड्यूज रह जाते हैं जो फूड में एक टॉक्सिकेंट की तरह काम करते हैं और ह्यूमन बॉडी में एंटर करके बहुत सारे कैंसरस सेल्स का डेवलपमेंट हो सकता है और बहुत सारा बहुत ज्यादा हार्मफुल इंपैक्ट होते हैं तो इनमें कोई हार्मफुल रेजिड्यूज नहीं रहते हैं दूसरा दीज आर चीपर देन केमिकल्स ये केमिकल से बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं दे आर सेफ टू यूजर एनवायरमेंट एंड नॉन टारगेट स्पीसीज क्योंकि इनकी होस्ट स्पेसिस स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा होती है इसलिए ये सेफ होते हैं यूजर के लिए भी एनवायरमेंट के लिए भी और नॉन टारगेट स्पीसीज के लिए भी सो नेक्स्ट इज दे आर ऑल्सो सेफ फॉर इंसेक्ट एनिमीज लाइक प्रीडेटर्स एंड पैरासिटाइड सो पैरासिटाइड और प्रीडेटर के लिए भी ये हार्मुल नहीं है तो ये भी इनका एक एडवांटेज है एंड दे प्रिवेंट रेसिस्टेंस एंड रिसर्जेंस क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड्स के केस uh, में एक बहुत बड़ा जो हैजाड uh, है या डिसएडवांटेज है वो है इंसेक्ट रेसिस्टेंस uh, की प्रॉब्लम और इंसेक्ट रिसर्जेंस की प्रॉब्लम जो uh, इतने ज्यादा हाई लेवल में रिसर्च कर सकते हैं कि वो बाद में भो, हमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का अमाउंट यूज करना पड़ता है उसकी डोज का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिससे हार्मफुल इम्पैक्ट केमिकल पेस्टिसाइड्स के और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो uh, ये केस बॉटेनिकल पेस्टिसाइड्स में नहीं होता है तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जो इन कंपेरिजन टू केमिकल पेस्टिसाइड्स के एडवांटेजेस सो so, ये केमिकल पेस्टिसाइड से इनको सुपीरियर बनाते हैं इन केसेस में बट इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिस वजह से इनका ज्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि स्पेसिफिक कुछ कुछ बोटेनिकल्स uh, हैं जिनका प्रेजेंट में बहुत ज्यादा यूज होता है तो इनमें से uh, जो डिसएडवांटेजेस हैं अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें सो दीज आर नॉट ट्रू पेस्टिसाइड्स बिकॉज ये ट्रू पेस्टिसाइड इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें से बहुत सारे इंसेक्ट का रेपेलेंट का काम करते हैं इंसेक्ट का डिटरेंट का काम करते हैं या एंटीफीडेंट का काम करते हैं डोंट डायरेक्टली किल एनी पेस्ट सो पेस्टिस होता है, side. Side करे. Lekin, जो होते है ये डायरेक्टली किल नहीं करते हैं किसी किसी केस में किल करते हैं और किसी केस में उनको डिटेर uh, करते हैं उनको रेपेल करते हैं एज रेपेलेंट काम करते हैं या एंटीफीड काम करते हैं सो इसलिए सो दीज आर नॉट ट्रू पेस्टिसाइड सेकेंड दे आर रेडिली डिग्रेटेड बाई यूवीर और सनरेज सो सनलाइट में ये बहुत ज्यादा बहुत जल्दी डिग्रेड कर जाते हैं इसलिए बोटेनिकल्स को कभी भी सोलर सनलाइट uh, की प्रेजेंस में नहीं रखा जाता है इसलिए हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि इनको सनलाइट uh, की में रखो कहीं डार्क एरियाज में रखो दे हैव स्लो स्पीड ऑफ एक्शन इनका स्पीड ऑफ एक्शन है वो बहुत स्लो है क्योंकि हमने अभी अगर अप्लाई किया तो इसका इम्पैक्ट हमें दो से तीन दिन बाद या वन वीक तक देखने को मिलता है तो एंड नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस होस्ट स्पेसिफिसिटी सो होस्ट स्पेसिफिसिटी इसका डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि ये केवल एक सिंगल टारगेट स्पीस को अटैक करते हैं या उनको रिपेल करते हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं बन पाते हैं इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड में कोई भी सिंगल पेस्टिसाइड बहुत सारे इंसेक्ट को या बहुत सारे पेस्ट को इजीली कंट्रोल कर सकता है एंड द लास्ट वन इज इफेक्टिव पीरियड इज वेरी लेस सो जो इफेक्टिव पीरियड है वो बहुत ज्यादा कम है मीन्स उनकी सेल्फ लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा कम है क्योंकि इनकी सेल्फ लाइफ और इनके जो एक्सपायरी डेट है वो बहुत जल्दी हो जाती है विद विद इन इन और समटाइम्स इट इज मंथ सो इसलिए इनको मोडिफाइड किया जाता है इन डिसएडवांटेजेस के कारण बहुत सारे सिंथेटिक पायरेट थ्रोइट्स है आज प्रेजेंट के टाइम में जिनको हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ बोटेनिकल्स सो आइए हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट बोटेनिकल्स के बारे में So, सबसे पहला और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंट कंटेक्स को देखते हुए जो बोटेनिकल है वो है नीम एज अ डायरेक्टिन सो so, एज डायरेक्टिन एक एल्कोलॉइड है जो नीम प्लांट से निकलता है नीम जिसको एज अ इंडिका कहते हैं ये बोटेनिकल नेम है इसका और इसकी सीड लीव्स और रूट्स uh, uh, हर पार्ट से हम एज uh, को एक्सट्रैक्ट uh, कर सकते हैं सो so, एज एक स्पेसिफिक uh, कंपाउंड है जो इनके अंदर से निकल, जो नीम लीव से या नीम सीड कर्नल से निकलता है और एन एस के नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट के रूप में अभी बहुत ज्यादा फेमस भी है तो ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल एज ए होता है एज एक चीफ कंपाउंड है जो बोटेनिकल्स के रूप में यूज कर सकते हैं सो so, अगर हम uh, नीम के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द ट्री इज बेटर ये इसकी पत्तियां कड़वी होती हैं और इसके सीड्स भी कड़वे होते हैं तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं बहुत ज्यादा थेरेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है और नीम के नीम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका आ, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में भी यूज किया जा सकता है जैसे अभी यूरिया नीम कोटेड यूरिया आने लगी है नीम कोटेड यूरिया बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंट में उसके लिए सो दीज आर करेक्टरिस्टिक ऑफ नीम प्लांट और इसका यूज बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट टर्माइट्स नेमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है और ये एक इंसेक्ट किलर की तरह भी काम करता है एंटीफिडेंट की तरह भी काम करता है और रेपेलेंट की तरह भी काम करता है So, अगर हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है जिसमें आ, बेंजीन रिंग है कुछ बेंजीन रिंग है और मिथाइल सी एस एमओ का बॉन्ड्स बने हुए हैं तो केमिकल स्ट्रक्चर से हमें ज्यादा रिलेशन नहीं है क्योंकि यूजी के लेवल पर ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है बट दिस इज स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एज डायरेक्टरी सो हम आगे बात करें सो नीम ऑयल कंटेन्ट लिमनोइ सो so, एक स्पेसिफिक कंपाउंड जो एंटीफिडेंट या ग्रोथ रेगुलेटर इंसेक्ट में काम करते हैं वो कहलाते हैं और नीम ऑयल में प्रेजेंट होता है जो इंस्टेंटली इंसेक्ट को किल नहीं करता है बल्कि उनको आ, उनको किल किल करता है बाई प्रिवेंटिंग यंग वंस फ्रॉम मैच्योरिंग एंड एडल्ट फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग सो ये डायरेक्टली किल नहीं करता है जबकि ये क्या करता है उनको मैच्योर होने से रोक देगा या उनको रिप्रोड्यूस उनका रिप्रोडक्शन कंट्रोल कर देगा तो इससे हैं, हैं उनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है एज जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और इसके बाद नीम स्प्रे सॉल्यूशन शुड नॉट बी एक्सपोज टू तो सनलाइट हम पहले ही जानते हैं कि बोटेनिकल को हम सनलाइट में एक्सपोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में बहुत जल्दी डिग्रेड कर जाते हैं Uh, इसका जो कंपोजिशन होता है वो वाटर uh, के साथ मिलकर बनाया जाता है इसके कुछ प्रॉपर्टीज थी नाउ मैकेनिज्म so, कैसे एज अ डायरेक्टिन uh, इंसेक्ट को इंसेक्ट को या पेस्ट को कंट्रोल करता है उनको कैसे रोकता है और उनके कंट्रोल में कैसे हेल्प करता है सो so, एक हार्मोन होता है इंसेक्ट हार्मोन जिसको एक्डाइसोन कहते हैं या सो so, जो हार्मोन होता होता है है वो इंसेक्ट के अंदर होता है, और एक्डाइसिन हार्मोन जो होता है वो इंसेक्ट की माउल्टिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि माउल्टिंग नहीं होगी तो इंसेक्ट डेवलप नहीं करेगा तो जो नीम का एजेडक्टिन जो प्रेजेंट होता है वो एजेडिन लो कंसेंट्रेशन में लो कंसेंट्रेशन में इंसेक्ट के एक्डाइसिन एक्शन को ब्लॉक कर देता है सो एक्डाइसोन के एक्शन को ब्लॉक करके क्या होगा इंसेक्ट में मॉल्टिंग नहीं होगी इंसेक्ट में मोल्टिंग नहीं होगी तो इंसेक्ट फ्यूचर डेवलप नहीं कर पाएगा और अगर इंसेक्ट डेवलप नहीं कर पाएगा तो सिंपल सी बात है इंसेक्ट की जनरेशन नहीं बढ़ पाएंगी और पेस्ट इजीली कंट्रोल हो जाएगा और अगर हम एजेक्टिन को हायर कंसनट्रेशन 10 टू 100 पीपीएम में यूज करें तो ये एक एंटीफीडेंट की तरह काम करता है या रेपेलेंट की तरह काम करता है सो लोअर कंसेंट्रेशन में ये एक्डाइसिन के एक्शन को ब्लॉक कर देगा और हायर कंसेंट्रेशन में ये फीडिंग को प्रिवेंट करेगा सो so, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था एजैडिराक्टिन का और इसके जो फॉर्मूलेशन प्रेजेंटली मिलते हैं वो नीम गार्ड म, मार्गो कोड नीम, नीम प्लस सुक्रिना ये अलग-अलग नेम से अलग-अलग ट्रेड नेम से मार्केट में हमें मिल सकता है सो so, ये मैकेनिज्म था एजैडिराक्टिन के बारे में सो so, नेक्स्ट जो हमारा बॉटनिकल है वो है निकोटिन निकोटिन एक, एक एल्कलॉइड है प्रिंसिपल एल्कलॉइड है तबेको प्लांट का और तबेकम सटाइवम या तबेकम से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है और एल्कोलॉड्स क्या होते हैं एल्कोलॉइड होते हैं दीज आर जनरली नेचुरली अकरिंग ऑप्टिकली एक्टिव नाइट्रोजन नाइट्रोजनस बेस ऑफ रिलेटिवली हाई मोलिकुलर वेट एंड हैविंग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सो इनका रोल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा होता है और नेचुरली अकरिंग होते हैं नेचर के होते हैं और इनका जो ऑप्टिकली एक्टिव बेस होगा, सो so, ये प्रिंसिपल जो में प्रेजेंट होता है वो है निकोटीन सो so, इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो केमिकल नेम आ, ये है केमिकल स्ट्रक्चर ये है निकोटीन और इसका जो केमिकल नेम है वो है वन मिथाइल टू थ्री पायरेडाइल पायरोन सो so, ये केमिकल नेम है निकोटीन का और इसकी जो लीव्स मिलता है लीव्स में मिलता है निकोसियाना टबेकम और निकोसियाना रस्टिका की लीब से जिसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ये टू से फोर्टीन परसेंट के कंसेंट्रेशन में हमें इसकी लीव्स में मिल सकता है तो ये निकोटीन जिसको हम निकोसियाना टबेकम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसके बाद इसके अलावा निकोटीन के अलावा भी इसमें ट्वेल्व एल्कोलॉइड प्रेजेंट होते हैं जिनमें से टबेको जो निकोटीन है वो सबसे चीफ है जिसका अमाउंट नाइनटी सेवन परसेंट तक हो सकता है जबकि इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है उनमें है नॉर निकोटिन और एनाब्यूसिन सो so, नॉर निकोटिन एनाब्यूसिन और इसी तरह के ट्वेल्व अदर एल्कोलॉइड प्रेजेंट हो सकते हैं तबेको प्लांट में जिनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो निकोटीन है और निकोटीन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो आ, ये निकोटिन का केमिकल स्ट्रक्चर है और इसमें से आ, ये निकोटेन

एसिड फॉर्म इसकी एक्टिव फॉर्म होगी सो इसका जो मोड ऑफ एक्शन है मोड ऑफ एक्शन क्या है सो so, जो निकोटीन है वो एक फास्ट एक्टिंग नर्व टॉक्सिन है जो प्रेजेंटली कंपीट करता है एसिटाइल कोलाइन के साथ एसिटाइल कोलाइन का क्या रोल है इंसेक्ट में एसिटाइल कोलाइन न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है जो जो नर्व सेनेप्स के बीच में एक रेसेप्टर की तरह काम करता है एज टू नर्व सेनेप्स सो so, इसके बीच के इसके बीच के एक्शन को जो निकटोइन है वो कंट्रोल कर देते हैं उसको रोक देते हैं जिससे इनके इनकी जो नर्व नर्विंग नर्व चैनल है या नर्व चेन है वो उसका सिग्नल ट्रांसमिशन रुक जाते हैं और सिग्नल डिस्ट्रप्शन से क्या होता है कि इंसेक्ट इंसेक्ट की डेथ हो जाती है तो इसका ये मोड ऑफ एक्शन है विच विल कंप्लीट विथ एसिटाइल कोलाइन सो so, ये निकोटीन के बारे में था और निकोटीन का जो कॉमनली सोल्ड कंसेंट्रेट है वो है फोर्टी परसेंट निकोटिन सल्फेट कंसेंट्रेट ये निकोटीन के बारे में था और इसके बाद हम देखें तो एक इम्पोर्टेंट पेस्टिसाइड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके सिंथेटिक फॉर्म आज प्रेजेंटली ज्यादा यूज किए जाते हैं वो है पायरेथरम पायरेथरम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्लावर्स से फ्लावर्स ऑफ क्राइजेंथीम सेंडेरीफोलियम सो so, क्राइजेंथीमम सेड्रेरिफोलियम एक फ्लावर है जिससे जिसके फ्लावर से फ्लावर हेड से हम पायरिथ्रिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं सो so, पायरिथ्रिन, पायरिथ्रिन इसी क्लास ऑफ कंपाउंड को कहा जाता है जो प्राइजेंथीम सिंडेडीफोलियम से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ये जनरल प्रॉपर्टीज जैसे बोटेनिकल्स की होती हैं, वैसे ही इनकी भी होती है कि ये सनलाइट में जल्दी डिक्रीट कर जाते हैं इनका रैपिड ब्रेकडाउन हो जाता है सनलाइट में एयर में और वाटर में सो so, पायरेथिन uh, के बारे में देखें तो केमिकल स्ट्रक्चर जो जनरल केमिकल स्ट्रक्चर पायरेथरीन का है वो ये है और इसमें जो बेसिकली जो मेन अदर कंपाउंड होगा वहां पर भी केवल सबस्टन होगा इस आर आर कंपाउंड आर कंपोनेंट में और आई दिस सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू कंपोनेट में जो भी ट्रांजिशन होंगे वो होंगे और जैसे पायरेथरीन वन और पायरेथरीन टू यहां पर आर कंपोनेंट की तरह अगर पायरेथरीन वन है तो यहां पर आर की जगह सी एस थ्री होगा और uh, अगर पायरेथरीन टू है तो आर यहां पर आर को रिप्लेस कर देगा सीओ सी एस थ्री अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखें जो स्पेसिफिक केमिकल प्रेजेंट होते हैं पायरेथरीन uh, पायरेथिन में में उसमें दो तरीके के होंगे पायरेथिन वन और पायरेथिन टू सो दीज आर टू क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स पायरेथरिन वन के अंदर जो आएंगे वो हैं है पायरेथरीन सिंडेरिन वन एंड जेसमोलिन वन और जो पायरेथन टू के अंदर आएंगे उसमें है पायरेथरिन टू

Uh, जो सब्सिट्यूट uh, है अगर इस सब्सिट्यूट में अगर यहां पर सीओओ सी एस थ्री है तो यह है पायरेथरिन टू सो पायरेथरिन टू से सिंडेरियन टू बनाने के लिए यहां पर यही स्ट्रक्चर चेंज होगा इस तरफ ये स्ट्रक्चर कॉमन रहेगा सब में सेम रहेगा और इस तरफ जो चेंज आएगा वो चेंज आएगा यहाँ पर या तो डबल बॉन्ड अगर नहीं हो तो दिस विल बी साइनरिन टू और अगर यहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो इस एंड में चेन के एंड में अगर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो वो होगा जैसमोलिन टू सो so, ये पायरेथरीन के स्ट्रक्चर थे और हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो पाइरेथ्रिन भी जो पोटेशियम आयन एक्सचेंज प्रोसेस है सोडियम आयन एक्सचेंज प्रोसेस है जो नर्व इंपल्स को ट्रांसजिस्ट करती है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं और उसके ब्लॉक उसके ब्लॉक होने से इंसेक्ट में इंसेक्ट की डेथ हो जाती है क्योंकि नर्व चेन अगर टूट जाएगी तो इंसेक्ट के अंदर के जो भी सिग्नल ट्रांसमिशन है मैसेज ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगा जिसको हम नॉक डाउन पैराल कहते हैं इंसेक्ट में सो so, ये इसके मोड ऑफ एक्शन था और हम जैसे जानते हैं कि जो पायरेथरिन्स होते हैं पायरेथरिन जल्दी ब्रेक डाउन कर जाते हैं और इनका जो टॉक्सिक एक्शन है वो बहुत कम टाइम तक रहता है इसलिए इसको एनहेंस करने के लिए एक सिनर्जिस्ट का यूज होता है जिस सिनर्जिस्ट का नाम है पीबीओ पाइपरनोइल So, का use आप, uh, other, uh, भी देखेंगे जिससे उनके एक्शन को एनहेंस कर दिया जाता है और सिनर्जिस्ट, ये एक synergist है. Synergist, ऐसा कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा जो खुद में तो टॉक्सिक नहीं है इंसेक्ट के लिए बट ये किसी अदर इंसेक्टिसाइड uh, को या पेस्टिसाइड के एक्शन को अदर केमिकल के एक्शन को इंक्रीज कर दे सो विदाउट बी बीओ दफेक्टिवनेस ऑफ पायरेथिन इज ग्रेटली रेड्यूस्ड सो so, पीबीओ का सीनर्जिस की तरह यूज होता है तो नेक्स्ट बोटेनिकल है वो है सबाडिला सबाडिला को वेराटराइन एल्कोइड भी कहा जाता है और ये सबाडिला प्लांट से निकलता है जिसका साइंटिफिक नेम है स्क्वाइनकोलोन ऑफिसनेल सो कोनोल एफिसनेल एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है तो इनमें से जो चीफ एक्सट्रैक्ट है उसको हम बोलते हैं वेराट्राइन और इसमें जो एल्कोइड प्रेजेंट होते हैं दीज आर सबाडिला और कॉस्टिक बार्कलेज हम जिसको कहते हैं सो दीज एल्कोलाइड्स आर प्रेजेंट इन दिस स्क्वाइन प्लांट सो दिसन आर वेरी टॉक्सिक टू हनी बीज एंड आर लीस्ट टॉक्सिक टू ह्यूमंस अगर हम इसकी बात करें तो दीज आर वेरी लीस्ट टॉक्सिक टू ह्यूमंस एंड दिस इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टेक्ट पॉइजन बट हैज सम एक्टिविटी एज अ स्टमक पॉइजन सो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टेक्ट पॉइजन है लेकिन इसकी एक्टिविटी स्टमक पॉइजन की तरह भी होती है और दी ये मोस्ट इफेक्टिव है ट्रू बग्स के अगेंस्ट ट्रू बक्स के अगेंस्ट like so, uh, ये बहुत इफेक्टिव है लाइक हर्कोलियन बक्स और स्क्वे बक्स सो ये सबरडीला का प्लांट है और ये सबरडीला का प्लांट है जनरल जिसमें ये नीचे रूट uh, है रूट का स्टोरे स्टोरेज पार्ट है मोडिफाइड पार्ट है और ये इसका फ्लावर है जिससे चीफली एक्सट्रैक्ट होता है जो लिली फैमिली से बिलोंग करता है सबरडीला प्लांट और ये जनरली एलर्जी के अगेंस्ट यूज होता है होम्योपैथी में नाउ अगर हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर को देखें तो वेरेट्रेडिन जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है और सिवाडिन ये दो चीजें तभी बनेंगी जब सबाडिला में सबाडिला में ये दो चीजें रिप्लेस करेंगी किस पोजीशन पे इस एंड पोजीशन पे इस एंड पोजीशन पे अगर आर की आर की जगह हम ये चेन आ जाए अगर आर की प्लेस पे ये चेन आ जाए तो हम इसको बोलेंगे सेवाडिन और अगर इसी आर की पोजिशन पे ये जिन ये वाला बेंजिन आ जाए तो हम इसको बोलेंगे वे, so, से हमें ज्यादा रिलेशन नहीं है बट आ, क्या चेंज आ रहा है और किस पोजिशन पे चेंज आ रहा है इससे हम पहचान सकते हैं कि उसमें डिफरेंस क्या है और सबाडीला की जो लिथल डोज वैल्यू होती है एल डी फिफ्टी वैल्यू वो फाइव थाउजेंड मिलीग्राम पर के जी होती है एल डी फिफ्टी क्या होती है ये भी हम जानेंगे जो एल डी फिफ्टी है लिथल डोज फिफ्टी जिसको हम कहते हैं ये ऐसा अमाउंट होता है ये मिनिमम अमाउंट ऑफ दैट केमिकल होता है जिससे

वो ये भी नर्व सेल मेम्ब्रेन के एक्शन को चेंज करता है और नर्व सेल मेम्ब्रेन के एक्शन को ब्लॉक कर देता है इससे पहले जो हमने पायरेथरीन पढ़ा था पायरेथरीन में वो सोडियम और पोटेशियम आयन चैनल को रोक दे रहा था और ये नर्व सेल मेम्ब्रेन के एक्शन को रोक देगा जो इसके लॉस को नर्व फंक्शनिंग की लॉस कर देगा और इसकी इंसेक्ट की पैरालिसिस हो जाएगी और इंसेक्ट डाई हो जाएगा और इसकी इसमें भी भीला में भी सिनर्ज सिर्जिस की तरह यूज होता है पीबीओ और एम जी के टू पीबीओ हमने इससे पहले सीनडिस के रूप में पायरेथ्रइ्स में भी देखा था सो so, अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट बटन निकल देखें तो यह है रोटीन। 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 को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं रूट लोंगो लौ, कार्पस या डेरिस प्लांट के रूट से पहले इसका जो रोटीनोन का एक्सट्रैक्शन होता था वो डेरिस प्लांट से होता था मगर प्रेजेंट में जो लोंगो कार्पस प्लांट है लोंगो कार्पस प्लांट से इसका ज्यादा एक्सट्रैक्शन होता है सो so, रोटीनोन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्यूब रूट्स इन एसीटोन और ईथर सो इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो 2 टू 40% परसेंट रेजिन प्रोड्यूस करता है और लोंको और डेरीज जो प्लांट है इनमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉटनी एल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम रोटीनॉइड्स बोलते हैं और ये रोटीनॉइड्स ही स्पेसिफिकली इंसेक्ट के अगेंस्ट पेस्टिसाइड्स के रूप में एक्ट करते हैं सो दिन इज यूज टू मेक लिक्विड कंसनट्रेट और टू इम्पर्गनेट इन डस्ट

और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें सो इट हैज शॉर्ट रेजिडल जनरली जो बोटेनिकल्स का होता है तो जनरली अगर हम सारे बोटेनिकल्स में भी शॉर्ट वैल्यू रखते हैं तो ये ट्रू होता है इसके बाद रेजिडल इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम पॉइजन जो इज यूज्ड टू कंट्रोल लीफ हिटिंग कैटरपिलर्स और बीटल्स एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कॉज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेशन सो दिस इज ऑल्सो टॉक्सिक वेन इनहेल्ड सो दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ रोटिनोन और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये इनहिबिट करता है सेलुलर रेस्पिरेशन को लेकिन ये इंसेक्ट में इंसेक्ट में जो एक्ट करता है वो नर्व और मसल सेल्स के डिसरप्शन से एक्ट करता है जिससे उनकी फीडिंग रुक जाती है और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है सो so, ये इंसेक्ट का मोड ऑफ uh, uh, का मोड ऑफ एक्शन था बट इट इज अः वेरी पावरफुल इनहिबिटर ऑफ सेलर रेस्पेरेशन लेकिन इसका जो मोड ऑफ एक्शन इंसेक्ट में है, वो स्पेसिफिकली नर्व और मसल सेल्स uh, उनकी सो रोटीसाइड इन वॉटर मैनेजमेंट रोटन और इसमें भी सीनर्जिस्ट की तरह पीबीओ का यूज होता है या एमजी के टू सिक्स एमजी के टू सिक्सटी फोर इंपोर्टेंट सीनर्जिस्ट है और ये लास्ट में एक टेबल है इस टेबल का केवल इतना रोल है कि हम इससे जाने कि कौन सा बोटेनिकल कितना ज्यादा टॉक्सिक है और कितना ज्यादा ये इंसेक्ट के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है सो एल डी फिफ्टी वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी होगी अगेंस्ट इंसेक्ट एंड अगेंस्ट ह्यूम ऑल्सो अगेंस्ट मैमल्स ऑल्सो सो जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें लिथल डोज जो एल डी फिफ्टी वैल्यू है बहुत ज्यादा हाई है सो दीज आर नॉट दैट मच टॉक्सिक टू ह्यूम और मैमल्स एंड ऑल्सो टू इनसे बट इनका हाई कॉन्सेंट्रेशन यूज होगा जब भी uh, उनके डेथ के लिए यूज होगा सो so, यहाँ पर oral LD50 value है और यहाँ पर डर्मल सो so, अगर हम डर्मली उसको एक्ट करें कॉन्टेक्ट की तरह एक्ट करें तो इसकी एल डी फिफ्टी वैल्यू कितनी है और अगर ओरली अगर वो सिस्टमिक जाए तो उसकी वैल्यू कितनी है सो so, अगर पायरेथरी वैल्यू ट्वेल्व हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड तक है एल डी फिफ्टी वैल्यू रोटीनॉन की सिक्सटी टू फिफ्टीन हंड्रेड तक एल डी फिफ्टी वैल्यू है की तक है, so, है, 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 इसका मतलब जो क्योंकि हमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा है। और इसकी LD50 वैल्यू भी 50 to 60 है। तो फिफ्टी टू सिक्सटी मिलीग्राम पर के अगर हम इसको यूज करें तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है और इसके लो अमाउंट अगर इसका हम वेरी लो अमाउंट भी यूज करें तो ये इजिली कंट्रोल कर सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट नीम जो प्रेजेंट में जिसका बहुत ज्यादा यूज है और इसकी टॉक्सिसिटी इसकी वैल्यू है सो so ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वैल्यू है एल डी फिफ्टी में और इसके बहुत ज्यादा हाई डोजेस हमें यूज करने पड़ेंगे और इसका जो एक्टिव इनग्रेडियंट है वो ज्यादा होना चाहिए सो so ये था एल डी फिफ्टी वैल्यू के बारे में और जिनमें डर्मल वैल्यू नहीं दी हुई है डर्मल वैल्यू मीनस दीज आर नॉट कॉन्टेक्ट पॉइजन सो साबाडिला इज नॉट अ कॉन्टेक्ट पॉइजन देन ऑल्सो अम सो ये था बोटेनिकल्स के बारे में इस, इस वीडियो में बॉटनिकल्स के बारे में पढ़ा और ये कुछ बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स के आ, जो फॉर्मुलेशन है कैसे मिल रहे हैं कैसे मार्केट में अवेलेबल हैं सो यू कैन एक्सेस दिस थ्रू गवर्नमेंट वेबसाइट्स और यू कैन गो थ्रू वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां से आपको सारे बोटेनिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जहां से आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से बोटेनिकल और उनके कौन कौन से कितना कितना कंसेंट्रेट प्रेजेंट में मार्केट में मिलता है सो दिस इज ऑल अबाउट बोटेनिकल पेस्टिसाइड एंड वी विल ऑल्सो ब्रिंग सम न्यू वीडियोज ऑन अदर केमिकल पेस्टिसाइड हर्बी साइड्स एंड अदर फीसाइट सो थैंक्स एंड गेट कनेक्टेड टू अस